स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज जनरल एनेस्थेटिक चैप्टर जो कि फार्माकोलॉजी का है, उसका लेक्चर नंबर 2। यानी जितने भी क्लासिफिकेशन के ड्रग्स थे उन सभी ड्रग का डिटेल्स हमको पढ़ना है, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपका नोट्स प्रिपेयर हो जाए। उसमें पहला ड्रग है वोल्टाइल में ईथर है, डाइएथिल ईथर। कैसा होता है आपको पता है, कलरलेस लिक्विड होता है, वोल्टाइल होता है। इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा और ये ऑर्डर पंजेंट होता है। हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, यानी कि बहुत ही जलनशील होता है, और इसको ये हमारी लंग्स में बहुत आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है। इसके एडवांटेज क्या है कि सेफ है। दूसरी बात, इसमें मसल रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये लीवर और किडनी में कोई खास डैमेज नहीं करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। इसके साथ साथ ये डिफरेंट ऑपरेटर्स पर भी कोई कॉम्प्लिकेशन कॉज नहीं करता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो स्लो एक्शन है और अनप्लीटिस्ट अनप्लेजेंट है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन कॉज करके आपको कफ सब प्रोड्यूस कर सकता है, इससे खांसी आना शुरू हो सकती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सेक्रेशन को बढ़ा देता है, नौजिया वोमिटिंग बढ़ती है और रिकवरी इसकी थोड़ी सी स्लो है। ठीक है, दूसरी ड्रग है हेलोथेन। इसकी बात करेंगे तो हेलोथेन क्या है, ये एक तरह से वोलेटाइल लिक्विड है जो कि फ्लोरिनेटेड है। इसमें ये थोड़ा सा हैवी होता है, कलरलेस होता है, और इसका जो ऑर्डर है वो फलों की तरह महकता है, और इसका टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। इसका मेन काम क्या होता है कि मेटल की तरह होता है, स्टील और ब्रास आगे एलिमेंट्स के साथ ये रिएक्ट कर लेता है बेसिकली। और ये यूज़ किया जाता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के केस में। ये एक तरह का टॉक्सिसिटी है हेलोथेन का, मतलब ये एक देखा जाए तो उसका साइड इफेक्ट है हाइपरथर्मिया, यानी जहाँ भी लगाते हैं वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ी सी बॉडी का बढ़ जाता है। एडवांटेज क्या है कि नॉन इन्फ्लेमेबल है और इरिटेट नहीं करता रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ये रिकवरी करता है बहुत तेज़ी से। ये ब्रोंकोस्पाज्म और कफिंग के लिए कोई असर नहीं कॉज करता है, यानी खांसी नहीं होती इससे। और इसके साथ ये हमारे हाइपोटेंशन को भी कंट्रोल करता है। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है कि ये मसल रिलैक्सेशन क्या होता है, ये एक बहुत अच्छा रिलैक्सेंट की तरह इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, अगर 2% से ज़्यादा ऊपर कंसंट्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं ड्रग का तो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन भी होता है, ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है, हाइपोटेंशन हो जाता है। अरिथीमिया कॉज होता है क्योंकि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकते हैं। इसके साथ साथ मेंटल फंक्शन को भी थोड़ा सा डिले कर सकता है रिकवरी का। ये सब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, नोट करते चलिएगा। अगला ड्रग है सर फ्रेंड्स इन्फ्लोरिन। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये नॉन इरिटेटिंग ड्रग है, नॉन इन्फ्लेमेबल है, लिक्विड है। ये मेटाबॉलिज्म के बाद हेलोथेन के मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनता है, और इसकी टॉक्सिसिटी क्या होती है वो थोड़ी सी कम होती है। इसके बाद हम बात करें कि इसका इंडक्शन और रिकवरी रेट बहुत स्लो स्ट्रांग होता है। ये एपिलेप्सी और सीजर के अटैक के लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, और इसका काउंटर इंडिकेशन ये होता है कि ये अगर कोई पेशेंट एपिलेप्सी का ड्रग पहले से ही ले रहा है तो उसके साथ इसको नहीं देना चाहिए। आइसोफ्लोरिन की बात करें, इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लें तो ये एक तरह का आइसोमर है, इनफ्लोरिन का आइसोमर है आइसोफ्लोरिन, और ये मोर पोटेंट है और मोर वोलेटाइल होता है उसके फ्लोरिन के प्रति। अच्छा, ये अच्छा है, मोर स्टेबल होता है, नॉन इन्फ्लेमेबल होता है। ये क्या होता है कि ये मायोकार्डियम के लिए एड्रेनल की तरह सेंसिटिव नहीं होता है। मसल रिलैक्सेशन प्रॉपर्टीज की अच्छी होती है, और ये हेपेटोटॉक्सिसिटी नहीं काज करता, नहीं लीवर के लिए सेफ होता है ये ड्रग। इसकी थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि ये कोरोनरी रीस्टेनल फिनोमिनन के कारण सीएडी के कारण प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हार्ट में। अगला ड्रग है डेसफ्लोरिन। इसी तरह इसकी प्रॉपर्टीज आप देखते जाइए, इसको स्क्रीनशॉट लेके लिखते जाइएगा। हाईली वोलेटाइल होता है, लेस सॉल्युबल होता है, और ब्लड और टिश्यू के साथ इट्स पंजेंट ऑर्डर कॉज इरिटेशन कॉज करता है। ये एरिथमिया और सीजर कॉज नहीं करता है, लीवर पे कोई असर नहीं करता है। ठीक है, अगला है सेवोफ्लोरिन। इसको देख लीजिए, ये एक नया प्रकार का ड्रग है जो कि पॉलीफ्लोराइज्ड होता है। ये लेस पोटेंट है, लेस सूटेबल है, आइसोफ्लोरिन से ज़्यादा अच्छा नहीं होता है ये, लेकिन टेस्ट इसका अच्छा होता है, पंजेंट नहीं होता है, और एनेस्थीसिया के लिए प्लीजेंट होता है। रिकवरी भी स्मूथ है, ओरिएंटेशन सही है, ये और किडनी लीवर पर कोई खास असर नहीं। ये सारे हमारे थे लिक्विड वाले। अब हम गैसेस की बात करेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड इसका एग्जांपल था, क्लासिफिकेशन आपको याद होगा अगर, तो इसको हम लोग लॉफिंग गैस भी कहते हैं, और ये तरह का इनऑर्गेनिक गैस है जो कि स्वीट टेस्ट में होता है। इट इज़ हैवियर देन अदर वाटर।